जैन साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बैठक की व्यवस्था से संबंधित अगर सवाल आते हैं तो उनको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, देखिएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे ये जो चैप्टर बैठक की व्यवस्था है, कुछ किताबों में बैठक की व्यवस्था नाम से दिया गया है, कुछ में क्रम परीक्षण दिया गया है। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें और इस चैप्टर से ढूंढें तो आपको चैप्टर ना मिले, तो आप क्या हो सकता है, बुक में क्रम परीक्षण दिया गया हो, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सवाल किस तरीके से आते हैं और कुछ बातें। और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो दो चैप्टर, वो खासकर घड़ी और कैलेंडर को लेकर बहुत परेशान हैं, तो देखिएगा आपको पढ़ा वो भी देंगे हम। दरअसल हमारी प्राथमिकता यह है कि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा कैसे हम दिलवा सकें, हमारी प्राथमिकता यह नहीं, क्योंकि आपको पता है कि घड़ी और कैलेंडर ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एक दो सवाल आए हैं, और वो चैप्टर अपने आप में, क्योंकि हर एक टाइप उसमें, हर एक टॉपिक में आपको बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। लेकिन अन्य कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें कम मेहनत करके आप दो तीन चार क्वेश्चन अपने आप सही कर सकते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं पहले उन उन सवालों के, उन उन चैप्टरों को आपको पढ़ाऊं जहां से आपके तीन तीन चार चार क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं। तो मेरी प्राथमिकता यह है, क्योंकि लास्ट तक तो हम सब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन मतलब आप इसमें ये घबराइए नहीं, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सा मतलब आप हौसला बना के रखिए, वो कहने कहने वाली बात होती है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यो थक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और उससे मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको थोड़ा हौसला भी अपना बना के रखना है। बीच बीच में आप हार मान लें कि यार शायद ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो ज्यादा आप नहीं पढ़े हैं, बल्कि हाँ ये है कि अब पिछले दिनों में पढ़े नहीं, अब दो चार दिनों में आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपके पास केवल 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीने के आसपास का समय है आपके पास, जिसमें आपको मेहनत करनी है और ढंग से कर लीजिए। इन्हीं 1.5 महीने में आप मतलब पूरा सिलेक्शन आपका एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे अब इनमें देखिए सवाल, अगर हम प्रश्नों के प्रकार पे बात करें तो प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, देखिएगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ऐसा रहता था कि एक पंक्ति में 20 लोग रहते थे, बाईं ओर से राम 25वें स्थान पे रहता था, दाहिनी तरफ से 18वें स्थान पे, श्याम उसी पंक्ति में 12वें स्थान पे है, तो इधर उधर का। अब इसमें क्या होगा, इसमें 20, 25, 30, 40 लोग रहते थे। अब इस तरह इन सवालों में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 7, 8 लोग रहेंगे बस इसमें रहें, और इनका जो है क्रम ये आपस में रहेगा, जैसे किस तरीके से बैठेंगे, देखिएगा ये कहीं जगह ये बैठे रहेंगे, मतलब अब ये बैठेंगे किस तरीके से, दो तरीके से बैठ सकते हैं, या तो ये पंक्ति में बैठेंगे, पंक्ति में मान लीजिए यहां पर बैठेंगे, पंक्ति में बैठेंगे, और या तो ये ऐसा हो सकता है कि एक जैसे मेज हो गया या वृत्ताकार कोई सर्किल हो गया उसके सामने ये लोग बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपको दाएं बाएं पता होना चाहिए, दाएं बाएं क्या होता है, देखिएगा जैसे जब भी वो सवाल जो रेखीय क्रम में हो, रेखीय क्रम का मतलब ये है कि एक लाइन में बैठे हों या सवाल में बोलेगा एक पंक्ति में बैठे हों, तो आपको क्या करना है, उनको रेखीय क्रम उसको बोलते हैं, तो आप उनको एक सीधी लाइन में बिठा दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल में आपको वो जल्दी ये नहीं बताएगा कि उन सभी का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, सवाल में ये नहीं बोलेगा आपसे, तो आप वो ना बोले तब भी आप उनमें जितने लोग होंगे वो 4, 5, 6 लोग, अभी सवाल पर हम लोग आएंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप चीज़ें समझिए। अगर मान लीजिए एक बोले कि 5 लोग बैठे हैं एक लाइन में, पी क्यू के दाईं ओर है, सी क्यू के बाईं ओर है, वो जो है पी और क्यू के बीच में बैठा है, ऐसे कुछ ना कुछ बोलेगा, तो आपको क्या करना है, उन सब को जैसे जितने लोग होंगे एक लाइन बना लीजिएगा और उन सब का मुख उत्तर दिशा की तरफ करवा दीजिएगा। इसका रीजन ये है थोड़ा सा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, जो है कॉपी है, या जो हम लोग मानचित्र वगैरह देखते हैं, तो उसमें हमारा मतलब जैसे दाहिनी तरफ हमारा हाथ है, तो इसमें भी दाया इधर होगा, इसमें भी बाया इधर होगा, तो हमें समझने में और सवाल लगाने में कि पी को यहाँ बैठाना है, क्यू को यहाँ बिठाना, क्यों दाईं ओर बाईं ओर, तो इसमें ये समझ में आता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से समझ में आता है। तो आप क्या करिए, अगर एक ही क्रम हो तो उन सबका मुख उत्तर दिशा की तरफ कर दीजिए, क्योंकि इधर उत्तर होता है, उत्तर की तरफ कर देंगे तो जो अपना दाया है, जो अपना बायां है, उस सवाल में भी दाया बायां बन जाएगा, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लगाते चले जाएंगे, ठीक। अब देखिए वृत्ताकार वाले का क्या सिस्टम है, देखिएगा वृत्ताकार में सिस्टम यह चलता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये है, मान लीजिए कि मैं अगर करता हूं 4 लोग, देखिएगा दो तरीके के सवाल बनेगा, जब ये केंद्र की तरफ देखेंगे, केंद्र की तरफ का मतलब यह है जैसे मान लीजिए हम लोग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, तो चार पांच लोग अगर बैठते हैं तो केंद्र की तरफ, मतलब अगर सर्किल वाला है तो सब लोग भी मतलब केंद्र की तरफ ही देखते हैं, तो उसमें जब सबका दायां बायां कहां होगा, तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं इधर बैठा हूं, तो आपको पता है कि ये मेरा राइट साइड होगा, इधर राइट होगा, इधर कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए मैं इधर से बैठूंगा ऐसे करके, तो मेरा राइट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। अगर हम मान लीजिए उस तरफ से आकर के ऐसे करके बैठ जाएं, तो मेरा इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इधर से मैं अगर बात करूं ऐसे बैठूं, तो मेरा दाहिना इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड, इतना क्लियर है। और इसमें चाहे जितने लोग बैठे, ये
बैठेगा तो इसका राइट इधर कर दीजिएगा और लेफ्ट कहाँ कर दीजिएगा, इस तरफ कर दीजिएगा। जितने लोग बैठेंगे इसमें जितने लोग बैठेंगे उनका, जैसे इधर बैठेगा कोई तो इसका राइट इधर होगा और इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। इतनी बात तो आपके समझ आ गई होगी। अब देखो बउआ क्या करना है कि जैसे मान लीजिए सवाल ये तो आ गया कि जब ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठेंगे, कभी कभी सवाल ऐसा आएगा कि केंद्र से बाहर की तरफ मुख किए होंगे, बाहर की तरफ करेंगे तो कैसे लगाएंगे आप, देखो उसको इधर समझा देता हूँ। जैसे ये है तो आप ये केंद्र की तरफ नहीं देखेंगे, बाहर देखेंगे। सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। अब अगर मान लीजिए देखिए कोई व्यक्ति यहाँ है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ हो जाएगा इसका राइट, उस तरफ हो जाएगा इसका लेफ्ट। ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो ये कहाँ हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इस तरफ बाहर की तरफ देख रहे हैं यहाँ खड़े होकर, तो इधर राइट हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इधर वाला कोई आदमी है इधर की तरफ देख रहा है, राइट इधर लेफ्ट इधर, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। आप देख पाएंगे इसका जस्ट अपोजिट बनता है, ये एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं कि उनमें कुछ लोग इस तरफ मुख करके मतलब केंद्र की ओर मुख करते हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ करते हैं। तो आप ये जानते रहें कि केंद्र की तरफ मुख करेंगे तो उनका दायां बायां कहां होगा, बाहर की ओर करेंगे तब उनका दायां बायां कहां होगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा और क्या सवाल आपके यहां बनता है। हाँ, एक बात और देखिएगा, कभी भी जब भी आप यहाँ सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि इनमें से दाएं और बाएं, हाँ तो दाएं बाएं हो गया आपका, ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लीजिए मिश्रित क्रम व्यवस्था क्या होती है। मिश्रित क्रम व्यवस्था का मतलब यह कि आपसे सवाल ऐसे कभी कभी बनेगा कि जिनमें ये नहीं बोलेगा कि मतलब कौन कहाँ बैठा उठा, ये सब नहीं बोलेगा। इसी चैप्टर में पूछा जा बताते हैं कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोनू से बड़ा है, मोनू राहुल से छोटा है, राहुल इनसे बड़ा है, इनकी आयु इतनी है, तो ये बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, ऐसे सवाल पूछेगा आपके यहाँ। चाहे वो किसी की आयु दे देगा कि राम की आयु श्याम से बड़ा है, श्याम राजेश से छोटा है, राजेश उमा से बड़ा है, तो ऐसे करके सवाल दे देगा तो आपसे वो पूछेगा, या लंबाई पर ही दे देगा कि उनकी लंबाई उनसे कम है, उनकी उनसे ज्यादा है, चार पांच लोगों का देगा, तो उसको सवाल कैसे लगाएंगे, चाहे भार पर हो चाहे वजन पर हो। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे रेखीय क्रम वाला हमने आपको बताया, तो देखो बाबू इसमें सवाल आप सॉल्व कैसे करेंगे, दरअसल आपको इसमें सॉल्व आप कैसे करेंगे, देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि देखिए इन इसमें और इसमें और इसमें, अगर देखिए जबरदस्ती का हम आपको फार्मूला बताएंगे, जैसे जबरदस्ती का फार्मूला बताएं कि बाबू इसका फार्मूला ये होता है इस तरीके के सवाल लगाने का, तो इसका ये तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, बशर्ते आपको ये दाएं बाएं पता होना चाहिए, दाएं बाएं पता होना चाहिए, कौन दाया है कहां बाया है, अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका दाया बाया कहां होगा। दूसरी चीज इधर इसका दाया बाया पता होना चाहिए, और इसके पहले आपने जितने भी सवाल लगाए हैं, जैसे आपने दिशा वाला सवाल लगाया है उसमें भी दाएं बाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण था, तो उनमें वहां पर सवाल में एक चीज अच्छा ये रहती थी कि जब आप शुरू में सवाल पढ़ते थे, जैसे बोला पूरब 10 मीटर गया तो आप 10 मीटर लेके गए, बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर गया, 15 मतलब आप जैसे जैसे सवाल आप पढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे सवाल पढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे आप इसका इंस्ट्रक्शन मतलब इसका जो डायरेक्शन था वो आप बनाते चले जा रहे हैं, कौन कहां जा रहा है बनाते चले गए। लेकिन इन सवालों में क्या होगा कि आप जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है कि उसमें वैसे वैसे लोग बैठते चले जाएं। जैसे सवाल में ये बोलेगा, जैसे 6 लोगों के बारे में बताएगा आपको, जैसे मान लीजिए 5-6 लोग हैं और 6 लोगों के बारे में बताएगा, ए बी सी डी ई एफ एफ तक लोग हैं और एक वृत्त के और वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे सवाल होगा। वो कभी ए और सी के बारे में बता देगा, कभी डी और ई के बारे में बता देगा, कभी सी और केवल सी के बारे में बताएगा। तो आप अगर ये सोचोगे जब आप सवाल लगाना शुरू करोगे और आप सोचो कि जैसे जैसे आप सवाल पढ़ते जाओ वैसे वैसे लोग बैठते जाएं, तो वो एक बार में बैठें ये जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है कि दो उन्हीं सवालों को दो दो तीन तीन बार आपको पढ़ना पड़े। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जब आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको बिठाते चले जाएंगे, दो तीन तो बैठ जाएंगे लेकिन दो तीन उनमें फिर बैठे नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे इसको यहां बैठाना है कि यहां बैठाना है कि वहां बैठाना है, फिर क्या होगा, फिर आप दोबारा फिर पढ़ेंगे तो फिर उनमें से एक आधे को फिर बैठा पाएंगे, अच्छा ये यहां नहीं यहां होगा, फिर उसके बाद एक दो और बचेगा, फिर आप गेस लगाकर फिर कोई ना कोई ऐसी लाइन उसमें दी गई होगी आप उस पर पकड़ पाएंगे, अच्छा इसको यहां नहीं बिठाना, फिर यहां बिठा दो खत्म करो। अभी उसको हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो आप जब ये सोचिए कि एक बार में पढ़े और सवाल लग जाए तो नहीं लग पाएगा बाबू, उसमें आप परेशान नहीं होना है दोस्त। देखो आप लोग जैसे इसमें जैसे लगे कि आप सोचो कि यार दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है, तो दो दो बार का तो सैलरी भी मार्च महीने में दो बार आती है पुलिस विभाग में, ठीक है ना, तो दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तो सैलरी भी आप दो बार लेंगे तो एक आपको पता है कि नहीं, एक मार्च महीने में दो महीने की सैलरी आती है। अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे महीने की आ जाए, हर महीने की तो आएगी, मार्च में दो महीने की आती है, ठीक है वो तो। चलिए अब आगे देखिएगा, इसमें जो है हम क्या करते हैं, पहले सवाल लिखते हैं, दो तीन चार सवाल इसके, फिर दो तीन चार सवाल इसके, फिर इसके, और एक ही वीडियो में पूरा ये खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि इसका पार्ट टू आएगा, नहीं, एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा जरूर लेकिन हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे लगाना है सवालों को।
चलिए देखिएगा, दो सवाल हमने लिखा है, अब इसको हम लोग कैसे लगाना है जरा देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखो भैया, अगर ये छह लोग हैं तो अगर सवाल में हमने बताया उत्तर दिशा की ओर ना भी बताए तो आप उनको उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। अब देखिए, कहा जा रहा है डी एफ और बी के बीच में है, डी कहाँ पे है, एफ और बी के बीच में। तो अब देखो, हमने जैसा आपको एक बात कहा था ना कि शुरू में ही अगर आप ये चाहेंगे कि अब आप ये सोचेंगे कि जैसे आपने छह लोगों को बना लिया, देखिएगा अब छह लोगों को बना लिया तो आप ये कहेंगे कि इसमें हम डी एफ और बी के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि डी कहाँ होगा, एफ और बी के बीच में होगा। तो देखो, अब इसमें आप ये सोचेंगे कि हम डी को कहाँ बैठाएं, यहाँ बैठा दें कि यहाँ बैठा दें, क्योंकि डी यहाँ बैठा देंगे तो एफ यहाँ हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा, या सपोज डी को यहां बिठा दे। तो देखो दोस्त, जब तक इसमें कोई स्थान क्लियर नहीं हो पा रहा है तब तक आपको नहीं बैठाना है, बस यहां इसको बिनाते चलना है। आप ये सोचेंगे कि डी कहां है, एफ और बी के बीच में है, तो आप ये सोचो डी एफ और बी के बीच में है तो एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है डी कहाँ है, एफ और बी के बीच में, तो बी इधर भी हो सकता है, एफ इधर हो सकता है, क्योंकि बात तो दोनों है ना। लेकिन हाँ, ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इनमें बी कहाँ है, एफ कहाँ है, डी कहाँ है। अगर इनमें किसी का भी स्थान क्लियर हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर ये कह देता कि जो डी है वो एफ और बी के बीच में है और बी एकदम दाहिनी तरफ बैठा है, तो बी को एकदम दाहिनी तरफ बैठा देते तो इसका मतलब था कि डी को यहाँ बिठाना पड़ता, एफ को यहाँ बिठाना पड़ता। अब आप एफ को यहाँ नहीं बिठा सकते, क्यों, क्योंकि एफ को यहां बिठाएंगे तो डी यहां आएगा। तो ये कहा गया बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, एफ और बी के बीच में डी, तो फिर यहां हो जाता एफ को यहां बिठा देते आप इनका, क्योंकि किसी एक का भी स्थान इसमें से क्लियर हुआ या कुछ ऐसी चीजें आपको मिली तब आप दूसरे का भी स्थान उसके साथ साथ क्लियर होता चला जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। क्या कह रहा है, ई बी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जो ई है ई, अब गौर से समझिएगा, ई बी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, सी और ए के बीच तीन व्यक्ति हैं। अब यहां से आप मेरी बात को समझिए, ई कहां पे बैठा है, ई ई बी के दाएं चौथे स्थान पे। अब जरा समझिए, देखिए एक बात यह बोली गई थी कि जो डी है एफ और बी के बीच में है, अगर यह कहा जा रहा है कि ई बी के दाएं चौथे स्थान पे, तो बी का दाया कहां होगा, इस इधर है तो होगा ना। अगर हम बी के दाहिनी तरफ चौथे स्थान पर बिठा दें, 1, 2, 3 और 4 किसको बिठाना है, ई को, अगर हम बिठा दें तो अगर मान लीजिए एफ और बी के बीच में ये दो व्यक्ति, डी के बीच में एफ और बी थे भी, तो अब छह ही लोग हैं, 2, 4, 6, और इसमें अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लोगों की जरूरत पड़ रही, इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है, अच्छा अब जैसे एक और देख लीजिए, एक और चीज देख लीजिए आप, इधर से भी बी के दाहिनी तरफ बी के दाएं चौथे नंबर पर ई को बिठाए, यहां से भी हम बी के दाहिनी तरफ चौथे नंबर पर ई को बिठा सकते, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा व्यक्ति एक यहां होगा और चौथे नंबर पे कौन है, ई है। यहां से भी जो है बी के दाहिने चौथे स्थान पे कौन बैठा है, ई। चलिए आगे देखते रहते हैं, जो सटीक बनेगा वही बना देंगे। सी और ए के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन। देखो आपको यह बात तो पता नहीं है, और इसमें कुछ लिखा है एफ डी और सी के बीच में बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, डी और सी के बीच में। तो देखो भैया एक बात ये समझो, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, एफ। अगर मान लीजिए इस नियम के आधार पे करें कि डी और सी, सी के बीच में कौन बैठा है, एफ, अगर हम यहाँ मान लीजिए इसको बिठा देते हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है डी कहाँ बैठा है, डी बैठा है, अरे भाई हाँ सॉरी, एफ, एफ बैठा है डी और सी के बीच में, तो एफ कहाँ बैठा है, डी इधर है, तो हम सी को इधर बिठा नहीं सकते, लेकिन हाँ सी को इधर कर सकते हैं, तो एफ कहाँ हो जाएगा, डी और सी के बीच में हो जाएगा। तो अब जब इसके बीच में ये बैठ गया, देखिए अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बात इसमें और कही गई है कि ई और ई बी के दाएं चौथा, सी और ए के बीच में तीन व्यक्ति हैं, तो सी और ए के बीच में तीन हैं, तो तीन व्यक्ति हैं ये, ए को इधर कर दीजिए। आप कह सकते हैं सर ए को इधर भी हम बिठा सकते हैं, लेकिन ए को आप इधर बिठाएंगे तो इनके बीच में बैठाने के लिए लोग कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए देखिएगा आप जब बनाते चले जाएंगे, तो जैसे ये छः लोग थे तो ये छः तो बैठ गए, लेकिन इसमें अगर आप जैसे कहा गया था कि एक बात यह कही देगी सी और ए के बीच में तीन लोग हैं, तो सी, और अगर मान लीजिए हम ए को यहाँ बिठा भी दें तो सी और ए के बीच में यहाँ भी तीन लोग हो गए, लेकिन अब जो दो लोग ये खाली हैं इनको कहाँ से लाएंगे आप। और आप देखिए 2, 4, 6, 8 इसमें आठ लोग हो गए, बल्कि यहाँ कितने लोगों को बिठाना था, 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, एक आधा दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा, शुरू में नहीं बन पाएगा ये ना। हम तो जैसे मान लीजिए, क्योंकि देखो हम लोग भाई जैसे मान लीजिए कई बार पढ़ा चुके हैं तो हमको तो पता है कि इसका इस तरीके से आएगा, लेकिन आप लोग क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आपको एक बार मत घबराइएगा कि नहीं नहीं यार। एक चीज और बता दें,
आपके यहाँ पेपरवा में ना भैया जैसे इतना बड़ा ये दे देगा आपको, ये दे दिया यहाँ से यहाँ तक का सवाल, तो इस बात की भी उम्मीद रहती है कि एक ही सवाल से मतलब इसको जैसे आप सॉल्व कर लिए तो एक दो तीन तीन क्वेश्चन में पूछ सकता है उसी में, तीन तीन नंबर, तीन दूनी छः नंबर एक साथ आपका आएगा, तो इसलिए इसको लगाना भी जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसको भी इसके हिसाब से बिठा देते हैं, ए बी डी उसके बाद एफ फिर सी और उसके बाद ई। सवाल क्या पूछा है, सी दाएं से किस स्थान पर है, तो दाया इधर होता है, दाहिने दाहिने तरफ से सी किस नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे। डी और सी के मध्य कौन बैठा हुआ है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ बैठा है। आगे सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाहिनी तरफ कौन बैठा है, तो ई बैठा है। आप आंसर बता देंगे आराम से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला ये लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ उत्तर दिशा की ओर एक करके पंक्ति में बैठे, तो पंक्ति में बैठा इनका एक दो तीन चार पाँच और छः। आगे कह रहा है ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो इसका मतलब ये है आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए को यहाँ बिठा दीजिए, इसके दाहिने तीसरे स्थान पर सी को बिठा दीजिए, नहीं। क्योंकि अब देखो, अब जैसे इसमें ये है तो मान लीजिए अभी इसमें और भी कुछ कंडीशन देगा, ये तो कहा नहीं कि एकदम दाहिने तरफ है, बल्कि ए के दाहिने तरफ ए है जहाँ पर भी उसके दाहिनी ओर तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, सी बैठा है, तीसरे सी बैठा है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, यानी कि ई जहां पे भी, अब इसमें तो हम ई को कहीं बिठा नहीं सकते तो अलग से उसका बना लेते हैं कि ई ई के बाएं तरफ, बाया इधर होता है, इसके बाएं तरफ बाएं और दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो पहला स्थान एक खाली छोड़ देंगे, दूसरे नंबर पर एफ को बिठा देंगे। डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा है, जहां पर भी डी बैठा होगा, डी डी के दाहिने दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो ये बी है, ये बी है, ये इधर नहीं बैठेगा, यहां पर बी यहां पर नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिए दाहिने किनारे पर नहीं, एफ सी के ठीक बाएं बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, यानी कि जो ये एफ है ना भैया, एफ एफ कहाँ बैठा है, सी के ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं किसको बिठा देना है, एफ को बिठा देना है। एक बात और बोली गई थी कि जो ई है वो एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर है, ऐसे कुछ बोला गया था, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर अगर एफ बैठा है तो इसका मतलब ये है कि एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर ई बैठा है। तो आप देखो तो एफ अगर यहाँ बैठ गया, एक एक बीच में खाली भी होना चाहिए था, इसके बगल में किसको बिठा दीजिए, ई को बिठा दीजिए, हो गया ना, ई को बिठाती है। अब क्या कह रहा है, अगवा देखिएगा, कहा गया ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा है, हाँ ये भी सही है, जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है, एफ सी के ठीक बाएं बैठा है, एफ कहाँ है, सी के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो अगला ये हो सकता है, छह ही लोग हैं, छह लोग हैं, अब ये जो बी वाला है ये इधर जा नहीं सकता है, इधर नहीं जा सकता, इसको भी हटा देते हैं। तो अब सिंपल सा तरीका यही है कि अगर बी को हम यहाँ बिठा दें, बी को यहाँ बिठा दें, एक जगह खाली होना चाहिए, उसके जगह ए को बिठा दें, डी को यहाँ बिठा दें। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ए के बगल में आप बी को बिठाते फिर एक खाली फिर डी, तो भैया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लोग की जगह आप कहाँ से बना पाते छः लोगों में ना, तो इसलिए आपको उस तरीके से बना होगा, फिर डी ए उसके बाद क्या लिखेंगे बी फिर एफ फिर सी और उसके बाद ई, ये हो जाएगा है ना। देखिए अब ये जब हो जाएगा, आपसे सवाल पूछा गया है कि सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी के बाएं तरफ कौन बैठा है, तो एफ बता देंगे। अगला है कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं बाया कहाँ होता है, इस तरफ, इसके बाएं दूसरे स्थान पर एक दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ, इस तरीके एक बता देंगे, ठीक है। अगला सवाल और कुछ लिख लेता हूँ फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा। चलिए देखिएगा ये सवाल हमने लिखा है, इसको अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। देखिएगा, एक जन्मदिन पार्टी में पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। तो देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, पांच पार्टी में पांच मित्र हैं, तो हम क्या करते हैं इसे लाइन बना लेते हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच हो गए। कहा गया है एम बाईं ओर है ए के, यानी कि एम जहाँ पर भी होगा तो आपको पता है कि एम बाईं ओर है किसके, ओ के, और दाईं ओर है पी के, यानी कि जो एम है वो ओ के दाहिनी तरफ है, और कहाँ है, नहीं सॉरी गलत बोल दिए, एम बाईं ओर है, एम किसके बाईं ओर है, ओ के, और दाईं ओर है पी के, पी के दाहिनी ओर कौन है, एम, और यही एम किसके बाईं ओर है, ओ के। आगे कह रखा है एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस कहाँ पे बैठा है, एस एस अब इनके इसमें तो एस बताया नहीं गया है, एस कहाँ बैठा है, दाहिनी तरफ, सॉरी एस बैठा है दाईं ओर टी के। तो देखो एस जहाँ पे भी बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, टी के दाहिनी तरफ बैठेगा। अब कहा जा रहा है किंतु बाईं ओर पी के, यानी कि जो एस है वो टी के तो दाहिनी तरफ बैठा है लेकिन कहाँ है, पी के बाईं ओर, तो एस को यहाँ बिठा दीजिए, टी को यहाँ बिठा दीजिए, टी के दाहिनी ओर एस बैठा है और यही एस पी के बाईं ओर बैठा है, ये पाँचों लोग एक साथ बैठ जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा टी एस पी एम और ओ, ये हो जाएगा।
आप कहा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच का आंसर क्या हो जाएगा, ओ का। आप ये बता देंगे कि बीच में कौन बैठा है, तो ओ बैठा है। छह मित्र ए बी सी डी ई पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है, ए और ई के क्या लिख दिया मैंने, सी बीच में है, ए और ई के बी के निकटतम, सी बीच में है, हाँ ठीक है सही लिखा है, सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, ठीक है हाँ, और एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो ई के दाईं ओर कितने लोग हैं। चलिए देखिएगा, पूरब की ओर मुख करके ये लोग बैठे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर इनको हम पूरब की तरफ बनाना चाहें तो जैसे ऐसे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः लोग। आपको पता है कि इधर होगा दायां और उस तरफ होगा बायां, क्योंकि ऐसे इधर इस तरफ कोई देखेगा तो दायां इधर बायां इस तरफ, है ना। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सी बीच में है ए और ई के, यानी कि इसमें सी जहां पर भी बैठेगा, सी जहां पर भी बैठेगा, इसको मैं इसे बना लेता हूं, सी जहां पर भी बैठेगा वो ए और ई के बीच में बैठेगा, ठीक है, सी ए और ई के बीच में बैठेगा। बी ई के निकटतम, बी कहाँ पे है, ई के निकटतम दाएं, तो देखो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी, सी अगर बीच में है तो इसको मैं मिटा देता हूँ तब समझाता हूँ आपको ना। आप ये कह रहे होंगे कि जो कहा गया है सर कि सी बीच में है, सी कहाँ है बीच में है, किसके, ए और ई के, ए और ई के, तो ऐसे भी सी बैठ सकता है, सी ई इधर हो ए इधर हो ऐसे भी बैठ सकता है। आगे कहा गया है बी ई के निकटतम दाएं, बी कहाँ है, बी ई के निकटतम दाएं, तो ई के निकटतम दाएं किसको बैठाना है, बी को, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला नहीं हो सकता, बी कहाँ है, ई के निकटतम दाएं, ये हो गया, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन यही बी कहाँ है, डी के बाईं ओर है, ठीक है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एफ एफ जो है आपका वो एकदम दाहिने छोर पर नहीं है, एफ यहां नहीं है, तो देखो एफ अगर एकदम दाहिनी तरफ नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह है कि एफ फिर कहां जाएगा, इस तरफ होगा, इसलिए क्योंकि बीच में कहीं कोई जगह बची नहीं है, तो अगर हम इन सब को बिठाना चाहें तो एफ एफ दाहिनी तरफ हो नहीं सकता, तो एफ को इधर बिठा दीजिए, ए सी ई बी और उसके बाद डी। सवाल यह है कि तो ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, जो ई है ई, ई के दाहिनी तरफ कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं, दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि छह व्यक्ति दो पंक्तियों में ए बी सी डी ई और ई, ई और एफ आमने सामने बैठे हैं, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विपरीत है। देखो भैया इसका क्या मतलब है, जैसे आप ऐसे समझो छह लोग हैं ये दो पंक्तियों में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है तीन तीन बैठे होंगे, एक दो तीन, और ये आमने सामने बताया गया है कि आमने सामने आमने सामने बैठे हैं, ये आमने सामने इनको बिठा दीजिए। अब बात ये है कि इनमें कौन कहाँ कैसे है, कहा गया है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब यह है कि ई यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो ई हो कहाँ सकता है, ई या तो यहाँ होगा या तो इस जगह पर होगा। अब कन्फर्म नहीं है कि ई यहाँ है कि यहाँ है, लेकिन देखते हैं, कहा जा रहा है डी एफ के बाएँ दूसरे स्थान पर है, डी कहाँ पर है, एफ के बाएँ दूसरे स्थान पर, तो देखो भैया अगर हम मान लीजिए डी को यहां पर बिठा दें तो फिर एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि डी को हम यहां बिठा दें तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, क्योंकि उधर से देखेंगे तो डी का एफ के बाया इधर हो जाएगा, इस तरीके से एफ का बाया इधर है इसमें, है ना। तो आगे कहा जा रहा है डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जो ई का पड़ोसी है, जो किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी, इसका मतलब यह है कि ई ई जो ई का जो पड़ोसी है वो कौन है, डी है, और इन दोनों में से अभी कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी डी का पड़ोसी ई आ रहा है, यहाँ पर भी डी का पड़ोसी ई आ रहा है। आगे क्या कर रहा है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी ओ गलत कर दिए, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विपरीत में है। देखो अब इसका मतलब आप समझो, ऐसे हटा देते हैं यहाँ पे, अगर मैं मान लीजिए कि इसको इस तरीके से सॉल्व करें हम, कि कहा गया है ई किसी भी पंक्ति में के अंत में नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम मान लीजिए डी कहाँ बैठा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर इसको हम इधर बिठा दें, हाँ ई यहाँ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा सी जो ई का पड़ोसी है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसका आप सीधे सीधे से बात समझिए कि जहाँ पर भी जो एफ और डी हैं वहाँ पर ई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एफ और डी ऑलरेडी एक दूसरे से दूर है और बीच में एक व्यक्ति आ सकता है। सवाल में कहा गया है कि सी जो ई का पड़ोसी है, जो सी है, तो इसका मतलब यह है कि ई का पड़ोसी अगर बनना था, ई का पड़ोसी बनना था, तो वहां एफ और डी नहीं हो सकते थे। तो अगर हम ई का पड़ोसी क्या बोला, ई कहा गया सी जो ई का पड़ोसी है, यानी कि जो सी है वो किसका पड़ोसी है, ई का, और ये जो सी है वो ई का पड़ोसी है,
डी के विपरीत है, यानी कि डी के जस्ट कहाँ बैठा है, ये सामने बैठा है, डी के जस्ट सामने बैठा है। सी जो ई का पड़ोसी है डी के विपरीत है, हाँ तो ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा हमने कुछ छोड़ दिया है क्या इसमें, एक आधी लाइन ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, हाँ हमें लगता है कुछ हम छोड़ दिए हैं इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जस्ट मिनट, देखते हैं हमने क्या गलत लिख लिया है इसमें, कुछ ना कुछ गलत लिखा तभी कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं एक मिनट। हाँ एक चीज़ इसमें छूट गई है कि बी एफ का पड़ोसी है वो हमने नहीं लिखा इसमें, बी एफ का पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है, एफ का, तो इसका मतलब यह है कि एफ के पास में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिएगा ई हो गया, सी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, तो बचा कौन, ए। अब ए को यहाँ लिख देंगे। सवाल ये पूछा गया है कि बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। ए के सामने कौन है, तो ए के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। देखिएगा दोस्त इसे घबराना नहीं है, दरअसल सवाल कुछ ऐसे है ही है कि जानबूझ करके आपको कुछ ना कुछ उसमें नया सीखने को मिले, तो आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करिए, और अगर सवाल नहीं लग रहे हैं तो उनको दो तीन बार लगाने की कोशिश करिए तभी आएगा, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो सोचे कि पहली बार में जब इतना ही आसान होता तो दोस्त सब सिलेक्शन ले लेते, हार मानना नहीं है आपको इस तरीके से, ठीक है ना, कि अगर सवाल नहीं लग रहा है थोड़ा सा कठिन आ रहा है कोशिश करिए लगेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हम वृत्ताकार वाले दो चार सवाल लिख लेते हैं, उसको देख लेते हैं कैसे लगाना है, ठीक है फिर लगाते हैं, ओके। चलिए देखिएगा जैसे ये वृत्ताकार वाले सवाल कुछ हम लोगों ने लिखे हैं, अब देखिए इसमें किस तरीके से लगाएंगे। सवाल यह है कि छह मित्र ए बी सी डी एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा बना करके बैठे हुए हैं, ई डी से बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है। पहला सवाल इसमें यह पूछा गया कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिएगा कैसे लगाएंगे आप। देखिए जैसे छह मित्र हैं तो आप इनको पहली चीज तो एक बात ध्यान रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, इनके बीच जो दूरी होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। और आपको अगर पता है कि जब भी वृत्ताकार घेरे में अगर सम संख्या में लोग बैठेंगे, सम संख्या का मतलब ये है कि चार छः आठ दस लोग अगर जब भी बैठेंगे तो वो आमने सामने बैठेंगे, लेकिन जब विषम संख्याएं रहेंगी, कहने का मतलब इसको आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए चार लोग हैं, एक दो तीन चार, चार हैं तो ये इसके सामने बैठे गए, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने। लेकिन अगर ये विषम संख्या होती तो मान लीजिए पाँच लोग होते तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, तब ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं फिर, लेकिन सम संख्या होने पर होते हैं। चलिए देखिएगा कहा यह जा रहा है कि बैठे हुए हैं ई डी से बाईं ओर है, ई डी से बाईं ओर बैठे हुए हैं, ई डी से बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में बैठा है। देखो भैया सी के बारे में पहले बताएंगे तो सी के बारे में, सी कहाँ बैठा है, ए और बी के बीच में बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि बी इधर आ जाए और ए इधर चला जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी के बीच में बैठा है। एफ ई और ए के बीच में बैठा है, एफ कहाँ आगे कहा गया है, ई डी से बाईं ओर बैठा है, ठीक है, इसका भी इसमें कोई मतलब नहीं है। एफ ई और ए के बीच में है, जो एफ है वो ई और ए के बीच में है, यानी कि अगर हम ए को यहाँ बिठाते हैं, ए को यहाँ बिठाते हैं तो हमको एफ को कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ। एफ कहाँ पे है, नहीं, एफ ई और ए, तो ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि देखिए अगर ए को हम यहाँ बिठाते हैं, यहाँ बिठाते हैं तब भी ई यहाँ होगा, और अगर मान लीजिए हम ए को यहाँ बिठाते हैं तब भी ई यहाँ होगा। हाँ हो सकता है कि एफ इस जगह पे आ जाए आपका, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से समझिए। देखिएगा जैसे ये कह रहा है कि जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, तो हमने सी को क्या किया, ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले मैं देख लेता हूँ जरा सा, हाँ दिख तो रहा है। देखिए जो सी है वो कहाँ है, ए और बी के बीच में बैठा है, ए और बी के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है कि बी और ए इन दोनों में आपस में किसी का स्थान क्लियर तो है नहीं, तो इन दोनों में से कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। आगे क्या कहा जा रहा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है, जो एफ है, एफ, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, ये कहा गया है, एक शुरू में एक लाइन कही गई थी कि जो ई है वो डी से बाईं ओर है, ई कहाँ पे है, डी से बाईं ओर है, तो इसका मतलब ये है कि डी कहाँ बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा, और डी के बाईं ओर कौन होगा, ई होगा। और आगे सवाल ये कहा जा रहा है कि जो एफ है ई और ए के बीच में बैठा है, जो एफ है वो कहाँ बैठा है, ई और ए के बीच में बैठा है, तो देखो वो अच्छा आप ये कह सकते हैं कि सर एफ को यहाँ बिठा सकते हैं, एफ को अगर यहाँ बिठा देंगे तो ई और ए के बीच में जो है, हाँ ई और ए के बीच में एफ तो हो जाएगा, लेकिन जब जरूरत बात आएगी कि जो ई बैठा है ई से डी से बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर किसको होना चाहिए था, ई को होना चाहिए, तब नहीं हो पाएगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ए यहां पर बैठेगा और यहां पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, तो ए बैठेगा, ठीक। बी के बाईं ओर कौन बैठा है, जहां पे बी है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी बैठा है, ठीक। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है,
पी क्यू आर और एस एक कैरम खेल रहे हैं, तो पी क्यू आर एस में पी आर और एस क्यू जोड़ीदार हैं और एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। चलो भैया समझो, देखो जब भी कैरम खेलते हैं तो चाहे वृत्ताकार हो या आप ऐसे ले सकते हैं इसको, ठीक है। आपको ये बात पता होगी कैरम खेलते समय कुछ बातें आपको कॉमन सी होंगी कि जो भी आपका साथी होगा वो आपके सामने बैठता है। जैसे आप अगर लूडो खेलें या ताश खेलते हैं तो जो उनका साथी होता है ना, जैसे दो दो लोगों की, तो वो सामने बैठता है, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि पी आर एस और क्यू जोड़ीदार हैं, यानी कि जहाँ पी के सामने आर बैठेगा, पी के सामने कौन बैठेगा, आर, एस के सामने कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, ठीक है। एस आर के दाहिनी ओर बैठा है और यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर हो, आर का जो है, आर देखिए, आर यहाँ बैठेगा और आर का चेहरा फिर कहाँ होगा, पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि जब आदमी इस तरफ बैठेगा पूरब दिशा की तरफ तब पश्चिम में देखेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझिए, अगर आर यहाँ बैठा है तो आर के जस्ट सामने कौन बैठा होगा, पी, यहाँ कौन बैठा होगा, पी। अब उसके पहले एक बात ये कही देगी थी, एस आर के दाहिने है, एस कहाँ पे है, आर के दाहिने, आर का दाएं हाथ कहाँ होगा, इस तरफ होगा और इसी के जस्ट सामने कौन बैठा है, एस बैठा है। सवाल में बोला गया है कि एस आर के दाहिनी ओर बैठा है, यदि आर का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो, वो हमने कर दिया। अब एस अगर यहाँ बैठा है तो एस के जस्ट सामने क्यू बैठेगा कि नहीं बैठेगा, आप बताओ, क्योंकि आमने सामने ही तो बैठते हैं ना जब लूडो खेलते हैं, चेस, वो लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं। तो अब देखो आर का चेहरा पर, तो क्यू का चेहरा किस दिशा में होगा, तो देखो भैया क्यू कहाँ देख रहा है, किस दिशा की तरफ देख रहा है, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं, यदि आठ मित्र हैं और एस पी एल ई एन डी ओ आर एक वृत्त में समान दूरी पर बैठे हैं, हाँ वृत्त में आठ मित्र हैं, तो आठ हैं, तो देखिए बनाते हैं इनको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लोग हो गए। एस और पी दक्षिण की, एस और पी दक्षिण और उत्तर में हैं, तो एस और पी कहाँ हैं, दक्षिण में हैं और पी कहाँ है, उत्तर में है। एस और पी दक्षिण और उत्तर, मतलब एस कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर, पी कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा में देख रहा है, ये नहीं बोला है। एल और ई पूर्व और पश्चिम दिशा में बैठे हैं, एल और ई कहाँ बैठे हैं, पूर्व और ई कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। आगे क्या कहा जा रहा है, N, S और L के बीच में बैठा है, N कहाँ है, S और L के बीच में, N कहाँ है भैया, S और L के बीच में N बैठा है, ठीक है, और O के सामने तिरछा बैठा है, O के सामने का N जो है S और L के बीच में है बैठा है और O के सामने तिरछा बैठा है, तो ठीक है, O के सामने कहाँ बैठा है, तिरछा बैठा है इसे, अब O के सामने तिरछा बैठा है, यदि R ई के बाद बैठा हो, यदि जो आर है वो कहाँ है, ई के बाद, तो देखो भैया ई के बाद या तो ये स्थान हो सकता है या तो ई ये स्थान हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि अगला स्थान कौन सा होगा, यही बगल में बचा है तो इसी में बिठा दीजिए, आर जो है ई के जस्ट कहाँ बोला है, आर यदि ई के बाद बैठा हो, ई के बाद या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो इसके जस्ट बगल में बिठाएंगे क्योंकि इधर वाली जगह तो बैठ चुका है वो। अब बाकी बचा क्या है, बचा क्या है, यदि N S और L के बीच में बैठा है, N S और L के बीच में बैठा है, P और R, हाँ ठीक है। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि बोला ये जा रहा है कि यदि R R यदि E के बाद बैठा हो तो D कहाँ बैठा है, तो D कहाँ बैठेगा, D को यहाँ बिठा देंगे। ऑप्शन में ये था जैसे उसमें पूछा गया था P और E के बीच में, E और L के बीच, S के बीच में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा P और L के बीच में, उसमें ऑप्शन में था P और L के बीच में, तो वो हम लोग आंसर बता देंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल कुछ इस तरीके है कि छः पशु वृत्त के केंद्र की तरफ मुख करके खड़े हैं, छः पशु वृत्त के केंद्र की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो जैसे छः लोग हैं, एक दो तीन चार, इसमें थोड़ा सा इधर करते हैं ये, और उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, है ना, छः लोग हैं, छः जानवर, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, तो देखो भैया मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बिल्ली को बिठाते हैं, बिल्ली कहाँ है, कुत्ता और खरगोश के बीच में, कुत्ता यहाँ कर देते हैं, खरगोश यहाँ कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुत्ता यहाँ आ जाए और खरगोश यहाँ चला जाए, क्योंकि बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। आगे क्या कहा जा रहा है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, तो मुर्गी कहाँ है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, तो ऐसा हो सकता है कि तोता यहाँ आ जाए और बंदर यहाँ हो जाए, है ना। आगे क्या कहा जा रहा है कि तोता और बंदर के बीच में है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, तोता के बाईं ओर कौन है, यानी कि तोता के अगर इधर करेंगे तो बाईं ओर कौन आ जाएगा, मुर्गी आ जाएगी, तोता के बाईं ओर कौन है, कुत्ता, तो इसका मतलब इसको यहाँ से हटाते हैं, ये कंफर्म हो गया कि तोता यहाँ, कुत्ता
यहाँ, और अगर कुत्ता यहाँ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कौन बचेगा, खरगोश बचेगा, और तोता के जस्ट बाईं ओर अगर कुत्ता है तो तोता यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे कौन बचेगा, ये बासे क्या नाम था, नहीं बिल्ली नहीं था, बंदर था, हाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा बंदर आपका, ठीक है ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, बंदर के बीच में कुत्ता तोता के बाईं ओर है, हो गया कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर हो गया, तो खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा है, तो खरगोश के जस्ट बाईं ओर कौन बैठेगा, तो बंदर बैठेगा, ठीक है। चलिए अगला कुछ सवाल और लिख लेते हैं, फिर देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेंगे इस तरीके के सवालों को हम कैसे लगाएंगे, जब लोगों के बीच में ये कहा जाएगा, उनकी आयु में थोड़ा बहुत अंतर आगे पीछे बताया जाएगा, ये इनसे बड़े हैं वो उनसे छोटे हैं, तो इस तरीके के सवालों को कैसे लगाएंगे। देखिएगा, अगर आपको एक सिंबल याद हो तो आपको ये बात पता होगी कि जैसे अगर हम इस तरीके से लिखें ए और बी, लिखें ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब ये है कि ए बड़ा है बी से, या इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि बी छोटा है ए से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग अभी जो सवाल लगाएंगे, सवाल में इसी सिंबल का प्रयोग करेंगे। देखिए, अरुण वजन में गोविंद से भारी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अरुण है, मैं यहां लिखता हूं, जो अरुण है, अरुण अरुण क्या है, गोविंद से भारी है, ठीक है, अरुण गोविंद से भारी है, मनोज जॉन से हल्का है, जो मनोज है वो जॉन से हल्का है, तो इसका मतलब यह है कि जो जॉन है वो मनोज से भारी है। बात समझिए, देखिए जैसे यह कह दिया जाए कि जो गोविंद है अरुण से हल्का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अरुण है वो गोविंद से भारी है, मतलब दोनों के बीच में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक के बारे में बताया जाएगा तो दूसरा अपनी तरफ से आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसमें कहा गया कि अरुण वजन में गोविंद से भारी है, तो अरुण वजन में गोविंद से भारी है, तो मैंने इसको अरुण को बड़ा दिखा दिया यहाँ पे गोविंद से, तो इसी को दूसरे लहजे में आपको समझना पड़ेगा कि जो गोविंद है वो अरुण से छोटा है या हल्का है, आपको ये समझना पड़ेगा। आगे देखिए, जॉन मनोज जॉन से हल्का है, यानी कि जहाँ पर भी मनोज होगा, मनोज कहाँ है, ये किससे हल्का है, जॉन से, मैं लिखता हूँ मनोज जॉन से हल्का है, ठीक है, मनोज जॉन से हल्का है, प्रवीण जॉन से भारी है, तो प्रवीण कौन कहाँ है, प्रवीण, ये जो प्रवीण है, प्रवीण जॉन से भारी है, प्रवीण जॉन से भारी है, तो इसका दूसरा मतलब क्या निकल करके आता है कि जो जॉन है वो प्रवीण से हल्का है, ठीक है, वो बात अलग है, इसमें बोला गया कि प्रवीण जॉन से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है, ये जो प्रवीण है, प्रवीण के बारे में क्या कहा गया कि जॉन से तो ये भारी है लेकिन किससे हल्का है, गोविंद से, अगर ये गोविंद से हल्का है तो इसका मतलब ये हुआ कि गोविंद जो है इससे ज़्यादा भारी है, तो इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे गोविंद, और गोविंद इनसे क्या हो गया, भारी हो गया, और शुरू में ही एक बात बताई गई है कि जो अरुण वजन में गोविंद से भारी है, तो अरुण इनसे बड़ा हो जाएगा, मतलब इनसे ज़्यादा वजन का हो जाएगा। सवाल ये है कि सबसे भारी कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरुण, आप आंसर दे देंगे आराम से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रेणु से आयु में सती बड़ी है, रेणु से आयु में सती बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं ना, देखो रेणु से आयु में सती बड़ी है, तो देखो सती अगर बड़ी है किससे बड़ी है, रेणु से बड़ी है, ठीक है। रेणु से आयु में गीता छोटी है, रेणु जो है, रेणु से आयु में गीता छोटी है, तो इसका मतलब यह है कि जो रेणु है वो आयु में गीता से बड़ी है, गीता से बड़ी कौन है, रेणु, इसका मतलब आप समझिए, रेणु से आयु में गीता छोटी है, गीता छोटी है तो इसका मतलब यह है, रेणु से गीता छोटी है तो इसका मतलब जो रेणु है वो गीता से बड़ी है, तो रेणु किससे बड़ी है, गीता से बड़ी है, ये कर देंगे। उसके बाद क्या कहा, सती से आयु में प्रिया बड़ी है, सती से जो ये सती हैं, सती इनसे आयु में प्रिया बड़ी है, कौन बड़ी है, प्रिया, प्रिया अगर बड़ी है तो इसका मतलब सती कौन है, छोटी है, तो प्रिया को यहाँ प्रिया बड़ी है, तो प्रिया इनके पहले लिख दिया गया, इनसे बड़ी है। अब क्या कह रहे, इन सब में आयु में सबसे वृद्ध कौन सा है, सबसे वृद्ध का मतलब यह है कि जिनकी सबसे ज्यादा उम्र होगी वही सबसे ज्यादा वृद्ध होंगे, तो आप आंसर क्या बता देंगे, प्रिया बता देंगे आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बड़ी है तो सबसे ज्यादा वृद्ध भी यही होंगी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कुछ यूं है कि सुरेश को अनिता से अधिक परंतु लता से कम अंक मिले, जैसे ये सुरेश है, मान लीजिए सुरेश को अनिता से अधिक अंक मिले, अनिता से इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब अंक के मामले में सुरेश को अनिता से अधिक परंतु लता से कम नंबर मिले, लता से कम नंबर मिलने का मतलब ये है कि लता को इनसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, इनसे ज़्यादा नंबर किसको मिले हैं, लता को मिले हैं, लता को, है ना। देखिए, सुरेश को अनिता से अधिक परंतु लता से कम अंक मिले हैं, पद्मा के अंक
किरण से कम, यानी कि इसमें पद्मा के अंक किरण से कम किंतु सुरेश से अधिक, सुरेश से अधिक, सुरेश से अधिक नंबर। अब इसको जरा समझिए आप, यहाँ पे लिखता हूँ जो पद्मा है, पद्मा के बारे में क्या बताया गया, पद्मा के जो नंबर हैं, पद्मा के अंक किरण से अधिक हैं, किससे अधिक हैं, किरण से अधिक हैं, मतलब किरण से अधिक पद्मा के नंबर हैं। और क्या कहा जा रहा है, पद्मा के अंक किरण से कम, किरण से कम नंबर हैं। तो किरण से कम नंबर हैं किसके, किरण से कम नंबर किसके हैं, पद्मा के। इसका मतलब यह है कि किरण के नंबर पद्मा से ज़्यादा हैं। आगे क्या कहते हैं, किंतु सुरेश से अधिक हैं, क्यों, आगे क्या कहा जा रहा है, किंतु सुरेश से अधिक हैं, किसके नंबर, पद्मा के, यानी कि जो पद्मा के नंबर हैं वो किरण से कम हैं और उसके बाद सुरेश से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि सुरेश के जो नंबर हैं इनसे कम हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिए। आगे देखिएगा, तो अधिक हैं, यदि लता के अंक पद्मा से कम हैं, यदि जो लता हैं, लता के जो अंक हैं, समझिएगा बात, लता के अंक पद्मा से कहाँ है, इसमें कहाँ है, पद्मा ये है, लता के जो अंक हैं वो पद्मा से कम हैं। पद्मा से कम होने का मतलब क्या हो रहा है कि पद्मा के अंक इनसे ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि जो पद्मा है, पद्मा के अंक क्या हैं, पद्मा के अंक इनसे क्या है, लता से ज़्यादा हैं। अब आप ये कह सकते हैं, आप देखिए, और पद्मा से नंबर किसके ज़्यादा हैं, किरण के नंबर ज़्यादा हैं। आप ये कह सकते हैं, सर ये सुरेश को कहाँ भगा दिए आप, तो देखो बाबू ये चीज़ तो कन्फर्म है था कि जो सुरेश का नंबर है वो पद्मा से कम है, लेकिन हाँ ये चीज़ बता दिया गया इस सवाल में कि क्या बोला गया, पद्मा के अंक किरण से कम किंतु सुरेश से अधिक, यदि लता के अंक पद्मा से कम हो, ये जो लता है, लता के अंक पद्मा से कम है, तो अब देखिए लता के जो अंक हैं ये पद्मा से कम तो है ही है, लेकिन एक चीज और है, हाँ ये भी पता है कि जो ये सुरेश है, सुरेश का भी अंक पद्मा से कम है, सुरेश का भी अंक पद्मा से कम है। तो आपको करना क्या है, ये चीज तो हमको पहले से पता है कि जो सुरेश का नंबर है वो लता से भी कम है, लता से भी कम है। अब आप इसको समझिए, अगर लता से सुरेश का नंबर लता से कम है तो जो लता का है वो पद्मा से कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब यह है कि सुरेश जो है इन तीनों में सबसे कम नंबर पाया है, इन तीनों में सबसे कम नंबर पाया है। अब जरा अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से मैं समझाता हूँ आपको, आगे देख लीजिएगा फिर बता देते हैं फिर से आपको। लता के अंक पद्मा से कम है तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे अधिक नंबर किसके हैं, तो किरण के, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, ये बात आपके समझ में कम आई होगी। देखो बबुआ, जैसे कहा गया है कि सुरेश को अनिता से अधिक परंतु लता से कम नंबर, सुरेश को अनिता से अधिक परंतु लता से कम नंबर मिले, इतना लिख लेता हूं, ठीक है। पद्मा के अंक, ये जो पद्मा है, पद्मा के अंक सुरेश से अधिक हैं, सुरेश से अधिक हैं, किन, यदि लता के अंक पद्मा से कम हैं, सर्वा कहाँ चला गया हो, पद्मा के अंक किरण से कम हैं, पद्मा के अंक किरण से कम हैं, हाँ पद्मा के अंक किरण से कम है क्योंकि इनका किरण का नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब पद्मा का कम है, किंतु सुरेश से अधिक है, लेकिन पद्मा का नंबर सुरेश से क्या है, ज़्यादा है। तो अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि लता के अंक, यानी कि ये जो लता हैं, लता के अंक पद्मा से कम हैं, लता के अंक किससे कम हैं, पद्मा से, तो आप ये बताओ कि अगर लता के अंक पद्मा से कम हैं और सुरेश का भी जो है नंबर पद्मा से कम है, और इसमें ये दिखा रहा है कि जो लता हैं इनका नंबर जो है उस सुरेश इनसे भी बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो पद्मा होगी वो पद्मा का नंबर, लता का नंबर पद्मा से तो कम है ही है, लेकिन सुरेश का नंबर लता से भी कम है, तो ये इनके जस्ट पीछे चले जाएंगे। और सवाल में ये एक बात कही गई है कि जो किरण है उसका नंबर पद्मा से ज़्यादा है, तो किरण को यहाँ लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा किरण। वो कैसे आएगा कि अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो किरण। अच्छा, किरण को क्यों लिखेंगे, क्योंकि किरण शुरू में बताया कि पद्मा, किरण का नंबर जो है वो पद्मा से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा किरण, ठीक। आगे देखिएगा, ए बी सी डी और ई में से क्या लिखा गया है, ए बी सी डी और ई में ए छोटा है कद में किंतु बी से, देखो लिखते हैं, ए छोटा है कद में बी से, यानी कि जो ए है वो छोटा है, किससे छोटा है, बी से, ए छोटा है कद में बी से किंतु ई से लंबा है ये, लेकिन क्या है, ई से ये लंबा है, ए बी से छोटा है, ई से लंबा है। आगे कहा जा रहा है सी सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, सी है, ठीक है। डी थोड़ा छोटा है बी से, बी से थोड़ा सा छोटा कौन है, बी से छोटा है कौन, छोटा है बी से छोटा कौन है, डी है। तो अब आप ये बताओ, बी से छोटा तो ए भी है और बी से छोटा ई भी है, लेकिन बी से थोड़ा छोटा कौन है, डी। आगे देखिएगा, बी से थोड़ा छोटा है बी से, हाँ
बी और डी थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है, लेकिन जो ये डी है ये क्या कह रहा है कि बी से तो छोटा है लेकिन ए से क्या है, ये ए से क्या है लंबा है, और अगर ए से ये लंबा है तो जो है ए किससे लंबा है ई से, तो इसको इस तरीके से बना देंगे। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो भैया ई जो हो जाएगा वो आपका सबसे छोटा हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि सी के बारे में बता ही दिया गया है सी सबसे बड़ा है, तो ई सबसे छोटा आ रहा है सबसे लास्ट में, तो ई सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा अगला सवाल, ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, ए छोटा है किससे, रुको इसको इसे बनाते हैं, ए छोटा है किससे छोटा है बी से, इसका मतलब बी बड़ा है इसे, किंतु सी से लंबा है, लेकिन ये क्या है सी से लंबा है, ठीक है, डी ए से छोटा है, जो डी है वो क्या है ए से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो डी से बड़ा है। अब देखो जो ए है वो डी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, लेकिन अब सी और डी में से कौन छोटा कौन बड़ा है ये क्लियर नहीं है अभी, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि जो डी है ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी कि जो सी है, जो सी है ना वो जो ये जो डी है ये सी से लंबा है, तो इसे डी है सी से लंबा कर दिए। अब आगे क्या हो रहा है भाई, सी से लंबा है और ई बी से छोटा है, जो ई है ई वो किससे छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा है, लेकिन अब ये नहीं पता क्योंकि बी से छोटा तो यहाँ ए भी है, बी से छोटा यहाँ ए भी है और सी भी है और डी भी है और सी भी है। आगे देखिएगा, ई बी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन जो ये ए ई है ये ए से बड़ा है और ए से बड़ा है, तो ए किससे बड़ा है डी से बड़ा है, डी किससे बड़ा है सी से बड़ा है, तो इस तरीके से आप बना देंगे। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा आपको का आंसर में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के जो भी सवाल हैं आपको लगा लेना है, परेशान मत होइएगा। देखिए कुछ चीज़ें आपको इसी मिलेंगे कि थोड़ा सा समझने और समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आपको एक बात बता दें, आप कितने किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ लीजिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें छूटेंगी, और आपको अगर रीजनिंग में जैसे 55 क्वेश्चन आने हैं, अगर आप 45-48 नंबर भी लाना है 5-6 नंबर जानबूझ के आप समझ लीजिए उसको छोड़, जो छूटेंगे वो वही सवाल छूटेंगे जो अपने आप में टॉप लेवल वाले होंगे, उनमें कुछ इधर उधर घुमा करके बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें पूछी जाएंगी तो वो नंबर फिर आपके जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप सोचें पूरा का पूरा आ जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस चैप्टर में आप। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।